हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये बहुत अहम है स्पीकर महोदय, जो मैं अब बताना चाहूंगी, ये बहुत अहम है। अलग अलग कार्यक्रमों के लिए जो फिनांस है उसकी बात हम अब कर रहे हैं। ये बहुत अहम है, जो कारोबार है उन पे भरोसा हो कि उनके लिए निष्पक्ष है और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल पारदर्शी है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा इस बजट के जरिए। एक टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा, टैक्स दाताओं का चार्टर बनाया जाएगा और ये इससे भरोसा कायम होगा। जो टैक्स पेयर का जो चार्ट है ये हमारा संवैधानिक का हिस्सा होगा। हम अपने करदाताओं को बताना चाहते हैं कि हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसे हम कानून के जरिए इसे हम सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी तरह लोगों को टैक्स के लिए परेशान ना किया जाए। हमारे जो नागरिक हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। ये बहस चलती रही है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, जो सिविल नेचर के कानून है उनको अबाउट बिल्डिंग इन टू स्टैट्यूट क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स दैट आर सिविल इन नेचर। जो सिविल नेचर के जो कानून है उनको क्रिमिनल बनाने की बात है। कंपनी एक्ट के तहत कुछ कानून लाने की बात प्रस्ताव किया गया है और कुछ जो कानून है उनकी समीक्षा की जाएगी और ये कदम उठाए जाएंगे ताकि कानूनों को सुधारा जा सके। सरकार की यह मंशा है कि नॉन गैजेटेड जो पोस्ट है उनमें नियुक्ति को लेकर के नीति की समीक्षा की जा रही है, बैंकों में समीक्षा की जा रही है। फिलहाल जो अलग अलग मौके पर परीक्षा देनी पड़ती है अलग अलग एक ही पोस्ट के लिए, इससे जो छात्र हैं उन पर बड़े पैमाने पर उन पर बोझ बढ़ता है और उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए हमारी ओर से प्रस्ताव दिया जा रहा है कि एक राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जिसमें कंप्यूटर के जरिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा जिसमें कि नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए नियुक्तियां की जाएंगी और हर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। जो व्यवसायी और दूसरे विवाद हैं उसको निपटाने के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है और विशेषज्ञों के संस्थाओं की स्थापना की गई है। जो पूरा तंत्र है वो इतना मजबूत किया जाएगा, उसमें सीधी नियुक्तियां हो सकेंगी। जो प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर लोग हैं, उनको नियुक्त किया जा सकेगा। एक स्थिर और अच्छा कारोबारी माहौल बनाया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कि जो सरकार और कारोबारियों के बीच जो सौदा होता है उसको ऑनर किया जा सके। जो भारत के सांख्यिकीय इंस्टीट्यूशन है, यानी जो इंस्टीट्यूशनल बहुत ही जटिल है, उसको सुगम बनाया जाएगा। जो डेटा है वो बहुत ही ठोस होने चाहिए। एक नई नीति इसके लिए बनाई जाएगी ताकि जो सरकारी जो आंकड़े हैं वो सही तरीके से पेश हो सके और इसके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा जिसमें जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो सही तरीके से पेश किए जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल होगा। एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाया जाएगा ताकि अच्छे तरीके से सही तरीके से लोगों तक जानकारी पहुंच सके। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।